कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एक खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि पिछले चार महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और अब अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छिप सकता। उन्होंने ट्वीट किया, पिछले चार महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश में नहीं छुप सकता। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इसी विषय पर दावा किया, अब सच्चाई जग जाहिर है। केवल अप्रैल जुलाई 2020 में 1.90 करोड़ नौकरी पेशा लोगों की नौकरी गई, अकेले जुलाई माह में 50 लाख नौकरी गई, खेती और निर्माण क्षेत्र में 41 लाख लोगों की नौकरी गई। बीजेपी ने देश की रोजी रोटी पर ग्रहण लगाया। राहुल गांधी और सुरजेवाला ने जिस खबर का हवाला दिया उसके अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच अप्रैल से अब तक 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के आंकड़ों में यह बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि पिछले महीने यानी जुलाई में लगभग 50 लाख लोगों ने नौकरी गंवाई है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।